कैसे हैं गाइस, आपका स्वागत है एक और अच्छी वीडियो में। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन। सो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो में। और 10th नंबर पर आता है एम्फ्रोस। एम्फ्रोस की बात करें तो ये हमें इंट्रोड्यूस हुआ था जोटो रीजन में। और अगर इसकी बात करें तो इसका फर्स्ट इवॉल्व का नाम है फ्लैफी, फिर मरीप और फुल्ली इवॉल्व होकर बनता है ये एम्फ्रोस। और ये मेगा इवॉल्व भी होता है एक एम्फोराइट स्टोन से। बहुत ही कमाल का पोकेमोन है ये भी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन आज तक का। सो 9th नंबर पर आता है इलेक्टिवायर। इसके फर्स्ट इवॉल्व का नाम है इलेक्टाबज और फिर ये फुली इवॉल्व होकर बनता है इलेक्टिवायर। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है सीनो रीजन में। ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है इलेक्ट्रिक टाइप में आज तक का, और बहुत ही कमाल का पोकेमोन है। सो 8th नंबर पर आता है टापू कोको। अगर टापू कोको की बात करें तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है हमें अलोला रीजन में। और अगर इसकी बात करें तो ये एक लेजेंडरी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। और अगर इसकी बात करें तो ये डुअल टाइप इलेक्ट्रिक, और इसका नाम भी बहुत ही अनोखा है। और इसके भाई और भाई भी हैं, टापू ब्लू, टापू फिनी। बहुत ही कमाल के पोकेमोन है ये भी, लेजेंडरी पोकेमोन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन आज तक का टापू को। और 7th नंबर पर जो पोकेमोन आता है उसका नाम है थंडरस। अगर थंडरस की बात करें तो ये भी एक लेजेंडरी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन। और अगर इसकी बात करें तो ये एक फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। बहुत ही कमाल का पोकेमोन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन आज तक का। और थंडरस पहली बार अपीयर होता है यूनोवा रीजन में। सो 6th नंबर पर जो पोकेमोन आता है उसका नाम है ज़ेब्डोस। अगर ज़ेब्डोस की बात करें तो ये एक डुअल टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है, फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। ये है एक लेजेंडरी बर्ड पोकेमोन। और इसकी एक रीजनल फॉर्म भी थी जो है फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप, वो है गल्ला रीजन की रीजनल फॉर्म। सो 5th नंबर पर जो पोकेमोन आता है उसका नाम है राइकू। ये हमें इंट्रोड्यूस हुआ था जोटो रीजन में। ये भी है एक इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमोन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप में। तो 4th नंबर पर आता है मिरेडियन। मिरेडियन की अगर बात करें तो ये एक डुअल टाइप ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। आपने ये पहली बार सुना होगा क्योंकि ये पाल्डिया रीजन में अपीयर हुआ है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस इसी रीजन में हुआ है। और बहुत ही कमाल का पोकेमोन है ये भी, ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, और बहुत ही स्ट्रांग है। और ये एक लेजेंडरी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, बहुत ही स्ट्रांग। सो 3rd नंबर पर आता है आयरन हैंड। अगर इसकी बात करें तो ये भी डुअल टाइप फाइटिंग एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, बहुत ही कमाल का पोकेमोन। अगर इसकी बात करें तो ये भी बहुत ही स्ट्रांग पोकेमोन है, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, ये हमारी लिस्ट में आता है 3rd नंबर पर। सो 2nd नंबर पर जो पोकेमोन आता है वो है रेजी लाइकी। अगर रेजी लाइकी की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है। सॉरी अगर मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो अगर इसकी बात करो, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था गल्लार रीजन में, और ये हमारी लिस्ट में आता है 2nd नंबर पर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, भाई स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है। सो 1st नंबर पर जो पोकेमोन आता है उसका नाम है ज़ेक्रोम। अगर ज़ेक्रोम की बात करें तो ये भी एक ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है। ये सबसे पहले अपीयर होता है यूनोवा रीजन में, और ये भी बहुत ही कमाल का लेजेंडरी है। और भाई इसको देखो तो भाई डर लगता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, सब डर जाते हैं जब भी आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे आपका फेवरेट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन बताइए। वैसे वो तो मुझे पता ही कौन होगा, वो तो हमारा पिकाचू ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि एश और पिकाचू की जोड़ी ओजी है और वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल पोकेमोन नहीं, यहाँ पर सब पोकेमोन मिला के इलेक्ट्रिक टाइप में आना था। सो मैं पिकाचू को नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, जब इंडिविजुअल हो गए तो वो ही आएगा सबसे स्ट्रॉन्ग। और चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और आपकी टॉप 10 लिस्ट क्या है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताएगा, और आपका फेवरेट इन पोकेमोन में कौन सा था मुझे वो भी जरूर बताएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।